अगर आपसे खुद को अलग थलग रखने को कहा गया है, इसका मतलब है कि आपको मुकम्मल तौर पर घर पर ही रहना है। आप स्कूल, काम पर या किसी भीड़ वाले मुकाम पर नहीं जा सकते हैं। और हाँ, आपका हालचाल पूछने किसी को घर पर भी नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोरोना वायरस की अलामत नजर आ रही हैं, यानी बुखार और खांसी, तो खुद डॉक्टर के पास जाने के बजाय डॉक्टर या अस्पताल को फोन कीजिए। अगर आपके साथ और लोग भी रहते हैं तो जरूरी है कि आप खुद को एक हवादार कमरे में महदूद कर लें और दरवाजा बंद हो। अगर घर के सभी लोग एक ही बाथरूम इस्तेमाल करते हैं तो जरूरी है कि आप औरों के बाद बाथरूम इस्तेमाल करें। और हाँ, आपका तौलिया और बाकी सामान दूसरों से अलग रखा जाना चाहिए। कचरे को एक नहीं दो बैग में बंद कीजिए। और अगर टेस्ट में पता चलता है कि आप कोरोना वायरस से मुतासिर हैं तो इसका मतलब है कि आपका कचरा दूसरों से अलग रखा जाना चाहिए। अगर आप अकेले रहते हैं तो अपना जरूरी सामान ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाइए या अपने किसी दोस्त की मदद लीजिए, लेकिन जरूरी है कि सामान लाने वाला शख्स सामान को दरवाजे के बाहर छोड़कर चला जाए। कोरोना वायरस से मुतासिर 5 में से 4 अफराद पर इसका थोड़ा सा ही असर होता है, लेकिन खुद को दूसरों से अलग थलग करके आप बुजुर्गों और बहुत से ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा बीमार होने से बचा सकते हैं जिनकी सेहत पहले से ही खराब हो।